हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, मैंने बहुत दिन से यूट्यूब पे कोई वीडियो नहीं डाला, ना ही कोई परफॉर्मेंस वीडियो, ना ही कोई लेसन पढ़ पा रहा है। तो मैंने ये वीडियो केवल इसलिए डाला है कि आप मुझसे बातचीत हो, बहुत दिन से जो संवाद रुका हुआ था वो शुरू हो। और इनको तो आप पहचानते होंगे, मिस्टर शुभम, ये मेरे नेफ्यू हैं। अगर आप हेलो। याद कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जो लोग पुराने व्यूअर्स हैं जिन्होंने मेरे शुरू शुरू के लेसन देखे हैं, 1 2 3 4 लेसन नंबर, तो उसमें इनके द्वारा एडिटिंग की जाती थी, वो एरो एरो लगा के एनिमेशन से बहुत अच्छे वीडियो बनाए हैं इसने। लेकिन और भी इस क्या कहते हैं, ये आता भी था लास्ट में, और अगर जिन लोगों ने इनको नहीं देखा है उनको मैं अब इंट्रोड्यूस करा देता हूँ कि शुभम सक्सेना, ये मेरे नेफ्यू हैं और बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं। इनका एक चैनल भी जब मैंने शुरू किया था, शायद उसके थोड़े दिन बाद, क्या नाम था तुम्हारे चैनल का? शुभम सक्सेना विजन करके चैनल ना, था, शुभम सक्सेना और विजन। जो पुराने यूट्यूब सब्सक्राइबर हैं ताऊ जी को जानते भी होंगे, उन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया था और हम लोग कॉमेडी वीडियो बना के डालते थे उसमें। बट फिर मेरे एग्जाम्स आने के कारण मैंने उसे डिलीट करना पड़ा था। उसमें 700-800 सब्सक्राइबर थे। मुझे उस समय बहुत अफसोस हुआ, मगर बोर्ड एग्जाम आप लोग समझती हैं कि बच्चों को कितना प्रेशर रहता है कि ये सब चीज़ें हटानी पड़ती, सिर्फ पढ़ाई। तो मैं जो हमारा आज के वीडियो का उद्देश्य था, एक तो ये था कि आप लोगों से मुलाकात, इंट्रैक्शन। दूसरी बात ये है कि मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे जो YouTube चैनल ने धीरे धीरे प्रोग्रेस की वो कैसे की, और ये शायद इनके जो नए लोग हैं इनके काम भी आएगी। तो शुरू में तो स्ट्रगल जैसा लगा, लेकिन बहुत जल्दी 1-1.5 साल के अंदर आप सभी लोगों के प्यार ने, आप सभी लोगों के सपोर्ट ने मेरे चैनल को 35,000 से ऊपर पहुंचा दिया। मैंने यानी कि 35,000 से ऊपर सब्सक्राइबर मेरे हैं। बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई अभी भी मैं नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अभी मेरा चैनल काफ़ी ऊपर जाना है, जो मैं उसकी फ्रिक्वेंसी देख रहा हूँ उसके हिसाब से। तो आज का वीडियो केवल यहीं तक था, कुछ आपको इन्फॉर्मेशन, नई इन्फॉर्मेशन भी मैं देना चाहता था। जैसे कि हम लोग Q&A पे काम कर रहे हैं, Q&A मीन्स कि क्वेश्चन एंड आंसर, मेरे चैनल को लेकर के जो आप लोग कमेंट्स करते हैं, या जो जिज्ञासा आपके मन में आती है, जिज्ञासा है या कोई शंका है, या कोई किसी खास बात के ऊपर आप मुझसे कुछ क्वेरी करना चाहते हैं, पूछताछ करना चाहते हैं, तो मैं जिस तरह से भी संभव होगा, चाहे मुझे कोई डिमॉन्स्ट्रेशन करके बताना पड़े, मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर दूंगा। आप और वो क्वेश्चन इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, उस वीडियो को हाँ हम बहुत जल्दी बनाएंगे। हाँ तो और एक और भी थी योजना अपनी, और हम लोग अभी पेट्रियॉन पे काम कर रहे हैं, तो जो व्यूअर सपोर्ट करना चाहते हैं पेट्रियॉन पे, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आप उसमें सपोर्ट कर सकते हैं। हाँ और जो नई बात है वो मैं आपको बतलाता हूँ। नई बात ये है आप सभी के लिए कि मिस्टर शुभम, इन्होंने जो फिर से चैनल स्टार्ट किया है, अब वो है कुक विद शु। उसमें ये कुकिंग की डिशेस और उस सब के बारे में अपने वीडियो डालते हैं, 6-7 वीडियो डाल चुके हैं ये, और काफ़ी अच्छे वीडियो हैं। इनकी रेसिपीज भी बहुत पसंद की जाती हैं, बड़े अच्छे कमेंट्स आते हैं। तो आज चूंकि ये वीडियो हम डाल रहे हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से ही मैं आप सभी लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग ऐसा कुकिंग में और इस फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं, खाने पीने में इंटरेस्ट रखते हैं, ऐसी रेसिपी देखने में इंटरेस्ट रखते हैं, ऐसी रेसिपी सीखने में इंटरेस्ट रखते हैं, वो लोग शुभम के इस चैनल को जरूर देखें, जरूर वॉच करें, कुक विद शुभ, है ना, उसको वॉच करें। और यदि पसंद आता तो उसे फिर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करने की कोशिश करें, क्योंकि अब बहुत छोटा सा चैनल है, बहुत छोटा, अभी तो इसमें 200 सब्सक्राइबर होंगे, बहुत छोटा चैनल है। और चीज़ ये कि मेरा मतलब 12th बोर्ड एग्जाम के कारण मेरा वो चैनल चला गया था, शुभम सक्सेना विजन वाला। उसमें मेरे ख्याल से मैंने 20-25 वीडियो डाल के रखी थी, जिसमें ताऊजी कम से कम 7-8 वीडियो में थे, और ताऊजी के साथ साथ वो चैनल बढ़िया ग्रो कर रहा था।
ताऊजी के साथ साथ ताऊजी के थोड़े सब्सक्राइबर बढ़ते, 1,000 मेरे, 100-500 बढ़ते ही रहते फिर तुमने यही तो गड़बड़ किया, तुमने मुझे छोड़ दिया ना। थे मुझे। मतलब एग्जाम, बोर्ड एग्जाम के कारण आप कहीं ना कहीं स्टूडेंट को ये सब चीजें छोड़नी पड़ती, प्रेशर आ जाता है। बट अरे कोई मैं बात नहीं, चिंता नहीं करो, अब जब तुम यहाँ बनाओगे ना तो मैं फिर तुम्हारी वीडियो में रहूंगा। 1.5-2 साल बाद, मतलब मुझे एडिटिंग, जैसे मुझे एडिटिंग बहुत पसंद है। मैं जो ताऊजी की भी वीडियो में, ताऊजी बोलता था आप बनाइए, आप व्यूवर्स को क्या क्या सिखाना क्या चाहते हैं, आप हारमोनिका सिखाना चाहते हैं, मुझे नहीं आता हारमोनिका, लेकिन मैं समझ जाता था इसमें क्या सिस्टम क्या है। तो ताऊजी बोलते थे इधर हवा फूकनी पड़ती, तो मैं सोचा ये कैसे समझाएंगे व्यूवर्स को। तो मैं बोलता था एक काम करते हैं कि आप ये मुझ पर छोड़ दीजिए, कहाँ कहाँ हवा फूकनी है वो मुझे बताइए, मैं उसमें एरो बना बना के बता दूंगा, इधर हवा फूकनी है इधर फूकनी है। तो एडिटिंग, एक वीडियो को अगर मैं बताऊं तो एक वीडियो को एडिट करने में करीबन 5 मिनट की वीडियो को, वो पूरे एरो वाली, कम से कम 24 घंटे लगते थे कंटिन्यू। तो वो मतलब हम लोग बनाते थे जब तक मैं ताऊजी के साथ था, बट अब जैसे मैं चला गया हूँ तो ताऊजी वही चीज आपको ड्रॉ करके समझाते हैं। और मैं ताऊजी को अभी मतलब सलाह दे रहा हूँ कि आप बनाइए और लैपटॉप वगैरह ले लीजिए, अच्छे से व्यूवर्स को दीजिए और चैनल ग्रो कीजिए। तो वही अब मैं भी वहां पे हूँ, मेरे को ये सब माउथ ऑर्गन नहीं आता, मैं थोड़ा सा कुकिंग वगैरह जानता हूँ तो उसी की वीडियोस डालता हूँ। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज एक बार जरूर देखिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब आपके ऊपर, अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों, जो मेरे चैनल के व्यूअर्स हैं दे आर वेरी नाइस पर्सन्स, उनके कमेंट्स इतने अच्छे होते हैं कि देख के दिल खुश हो जाता है। मैं चाहता हूँ कि ऐसे कमेंट्स शुभम सक्सेना के चैनल्स को भी मिले और इनका चैनल भी ग्रो करे। खूब इसी शुभकामना के साथ आप सभी लोगों दोस्तों मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। इस वीडियो को एंड करने से पहले सभी व्यूवर से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप अपने जो भी सवाल हों वो इस वीडियो पे कमेंट जरूर कीजिएगा। और जैसे आप देखते हैं मॉडर्न यूट्यूबर Q&A वीडियोस डालते हैं, तो ताऊजी के अभी तक 3 साल हो गए यूट्यूब को और ताऊजी ने एक भी Q&A वीडियो नहीं डाली। तो मैंने ताऊजी को सजेस्ट किया कि ये Q&A वीडियो तो जरूर डालिए, तो आप अगर कोई भी सवाल पूछना चाहें, ताऊजी बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सन है और माउथ ऑर्गन से रिलेटेड आप तो व्हाट्सएप में पूछते ही रहते हैं, बट एक बार अगर आप उनकी पर्सनल लाइफ में या कोई भी उनका एक्सपीरियंस के बारे में खास एक्सपीरियंस है, कोई भी किस्सा पूछना चाहें तो कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखिएगा और हम लोग आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए, हम आपसे फिर मुलाकात करते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, और जब आप इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट्स देंगे तो हमें और भी ज़्यादा खुशी होगी। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय।